हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये फिगर गिवन है और इसमें हमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये फिगर समझाता हूँ। यहाँ पर ए बी और सी डी दो व्यास हैं, यानी दो डायमीटर हैं, वो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो ओ इस वृत्त का केंद्र है, ये जो बड़ा वृत्त है इसका केंद्र ओ है। इतना क्लियर हो गया है? अच्छा, ओ से ए तक 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ये छायांकित भाग हैं टोटल 3 है, ये छायांकित भाग नंबर 1, छायांकित भाग नंबर 2 एंड छायांकित भाग नंबर 3। तो जो ये पहला छायांकित भाग है इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इसका व्यास दिया है तो सीधे इसकी त्रिज्या यानी रेडियस निकल जाएगा और इसका एरिया सीधे स्टेप में आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगा के। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो जो छायांकित भाग 2 और 3 है इसके लिए हमें ये जो अर्धवृत्त है, ये जो सेमी सर्कल है, इसके एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया माइनस करना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होगा इस अर्धवृत्त, इस सेमी सर्कल के एरिया में से। समझ आ गया? और ये सब कुछ आसान है, यानी इस अर्धवृत्त का एरिया निकालना आसान है क्योंकि इसकी त्रिज्या दी है, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है क्योंकि आधार दिया है, ये टोटल 14 और हाइट भी दी है। तो सब कुछ एकदम क्लियरली आई होप आपको समझ आ गया होगा और आराम से निकल जाएगा सब कुछ। ओके, तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले छायांकित भाग 1 की। अब इसमें देखो आप, तो इसमें जो व्यास है ये OA के बराबर होगा, OD जो है और ये है 7 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा? इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, ये क्या 7/2। और ध्यान रखना इसको डिवाइड मत करना, ऐसे में कैलकुलेशन बाद में आसान रहती है। ठीक है, डिवाइड करके 3.5 लिख दोगे तो मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए छायांकित भाग 1 का क्षेत्रफल, तो क्या है? क्योंकि ये एक सर्कल है, वृत्त है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई होता है 22/7, रेडियस त्रिज्या 7/2, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखी है। ये 2 से कटा 11, 7 से 7 कैंसिल और ये होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया? अब बात करते हैं छायांकित भाग नंबर 2 और 3 की। तो ये कैसे निकलेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो हमें क्या करना है? पहले इस सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो अर्धवृत्त ए बी सी, यानी ये जो अर्धवृत्त है ए बी सी ए कर देते हैं, चलो ठीक है ना, ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्योंकि पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा हाफ लग जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आप रेडियस को दूसरा लिखना चाहते हो तो दूसरा लिख दो, क्योंकि यहाँ पे छोटा आर हम यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो बड़ा आर लिख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप वैसे भी लगा सकते थे। तो ये हाफ इंटू पाई 22/7 है, और ये जो त्रिज्या है अर्धवृत्त की त्रिज्या, यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या आर ये है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब एक साथ कट गया और 2 से 1 कट गया 11 बार, ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको इस सेमी सर्कल का एरिया। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस यानी आधार इंटू हाइट। अब जो आधार है ये 14 है, बेस 14 सेंटीमीटर, और हाइट है 7। आपको पता है ना ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये
आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा कैलकुलेट करके 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें देखो हमारे पास तीन मेन इसमें निकल चुके हैं, एक ये है जो कि इसका एरिया निकला था, और जो 77 है ये इस अर्धवृत्त का एरिया निकला, और 49 इस ट्राइंगल का। अच्छा तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, छायांकित भाग दो और तीन का क्षेत्रफल, तो क्या होगा इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, ये बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा अर्धवृत्त का, यहां पर 77 हमारा आया था और इसका ये 49 और ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ओके, तो हमें इनका एरिया मिल चुका है और इसका तो पहले ही मिल चुका था, तो बस हमारा फाइनल आंसर आ गया। देयरफॉर छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल तो ये क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये इस वाले सर्कल का यानी भाग एक का निकला था 77/2 और दो और तीन का निकला है ये 28, तो ये हो जाएगा 77 + 56/2 और ये फाइनली कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हो, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें छोड़ना चाहो इसमें भी छोड़ सकते हो, पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।